आज तुम दोनों के मिलन की रात नहीं, खत्म होने की रात है। हर जगह केरोसिन छिड़क दिया है मैंने। कयामत आएगी आज कोलकाता में, क्योंकि शान और अस्मिता की प्रेम कहानी आज उन्हीं के साथ खत्म हो जाएगी। आज शान और अस्मिता दोनों का नाम मिट जाएगा। आग कैसे लगी? मम्मा, पापा! मम्मा, पापा! कृषि, कृषि! मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कृषि, कृषि! मम्मा, पापा! मेरी बच्ची को बचाओ। पापा, कृषि! बेटा तुम वहीं रुकना। कृषि, अगर तुम मेरे नहीं हो सके ना, तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। और खास करके उस अस्मिता के तो कभी नहीं। उसके लिए अगर मुझे तुम्हें जान से भी मारना पड़े ना, तो मैं मार दूंगी आज मेरी लगाई हुई आग में। तुम दोनों जलकर भस्म हो जाओगे। मम्मा संभाल के, अच्छे बड़े पापा। अस्मिता, हमें ऐसा नहीं करना होगा। चलो। अस्मिता, चल। तुम निकलो यहाँ से। मम्मा, पापा। कृषि, तुम चलो उठो। कृषि, आगे मत बढ़ो, आग लगी है, प्लीज दूर रहो तुम, आग से दूर। कोई है, मेरी बच्ची को बचा। अस्मिता, सब नीचे, हमारी आवाज नहीं जाएगी, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या 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 करेंगे? कृषि, बेटा घबराना मत। चल, ये स्टॉप कर। आप ये
एक बात जानती नहीं है, जब आप जैसे कंसंटी कुछ उल्टा बोलती है ना, तो कृषि वो पक्का करके दिखाती है। अब तो रेस मैं जीतूंगी। ठीक है, देखते। अच्छा अब ये बताइए, अगर मैं ये रेस जीत गई तो क्या गिफ्ट दोगी मुझे? अगर तुम ये रेस जीत गई तो तुम जो एक चीज चाहो ना वो मैं करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और अगर तुम हार गई तो? जो एक बात आप कहोगे वो मैं मानूंगी। ठीक है, अगर तुम हार गई तो तुम्हें अपने मम्मा को लेकर हमारा घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चले जाएंगे। लेकिन घनसाठी आपको पता नहीं है मैं कितना तेज भागती हूँ? मेरी सोच से ज्यादा तेज नहीं भाग सकती तुम। वो कल देखना। देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। एक मिनट आंटी। बेस्ट ऑफ लक। वेलकम एवरीबॉडी, टुडे वी ऑल आर हियर फॉर स्पोर्ट्स डे ऑफ सेंट जोसेफिन हाई स्कूल। बच्चों की फिजिकल ताकत को टेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को पर्चा देने के लिए होता है, और बच्चों को ये सब क्वालिटीज उनके पेरेंट्स के अलावा और कौन सिखा सकता है। इसलिए इस साल हमने बच्चों से पहले उनके पेरेंट्स के लिए एक रेस रखी है, एक ऐसी रेस जिसमें पिता बच्चे की माँ को पीठ पर उठाकर दौड़ेंगे। रेस में स्कूल के बच्चे तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, साथ ही इस साल उनके साथ एक बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगी जिसका एडमिशन इस स्कूल में इस रेस पर निर्भर होगा। तो दूसरे पेरेंट्स के साथ उस बच्चे के पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे इस रेस में। तो पेरेंट्स रेस के पार्टिसिपेंट्स हैं चाहत मौजूमदार के पेरेंट्स शान और नंदिनी मौजूमदार। बेस्ट ऑफ लक मम्मा एंड पापा। मिस अस्मिता सिंगल मदर है तो वो इस रेस के लिए क्वालिफाई नहीं करती। मिस अस्मिता आई एम अफ्रेड, लेकिन अब सिर्फ ऋषि ही रेस में हिस्सा ले पाएगी, और ऑब्वियसली अगर वह रेस में जीतती है तभी उसे एडमिशन मिल पाएगा। पहाड़ के नीचे मुझसे पंगा लेने चली थी। शान सिर्फ मेरा पति है और चाहत का बाप है, कोई भी ऐरा गैरा आकर उस पर हक नहीं जमा सकता।
इस बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। क्यों बार बार मुझे मजबूर और बेचारा फील करवाते हो? क्या करूं मैं इस बच्ची के लिए? लगता है नंदिनी मजुमदार को चोट लग गई है। अब हमें उनके बिना ही रेस को आगे बढ़ाना होगा। तो प्लीज सारे पेरेंट्स फिर से स्टार्ट लाइन पे आ जाइए। हम रेस फिर से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट मैम। क्योंकि चाहत की मम्मी को चोट लग गई है तो ऑब्वियस सी बात है मैं उनके साथ रेस में नहीं दौड़ सकता हूँ। लेकिन अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कृषि के लिए रेस दौड़ना चाहूंगा। ये कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं, अगर मेरे रेस में दौड़ने से एक बच्ची को स्पोर्ट्स कोटा पे एडमिशन मिल सकता है तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कौन सा रूल बुक है जो मुझे उस उदास बच्ची के चेहरे पे स्माइल लाने से रोकती है? ऐसा तो कोई रूल नहीं है पर। तो फिर मैम प्लीज मुझे पार्टिसिपेट करने दीजिए ना, इसके भलाई का काम कर रहा हूँ, क्यों रोक रही? फाइन, अगर मिस अस्मिता को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप उनके साथ ये रेस दौड़ सकते हैं। मेरी मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मम्मा। कृषि ऐसा नहीं है मैम। प्लीज मम्मा प्लीज मेरी बात मान जाइए ना। कृषि मुझे पार्ट नहीं लेना। नो मींस नो, सॉरी। डर गई ना कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम खा कर मोटी हो गई। ये तुम्हें क्या लगा था, साड़ी वाड़ी पहन लोगी तो अपने आप को कवर कर लोगी तो तुम्हारा वेट पता नहीं चलेगा? उफ, कभी कभी तो ये दोनों सच में छोटे बच्चे की तरह ही बिहेव करते हैं। मुझे कुछ करना होगा। अब सही कह रहे हो अच्छे वाले पापा, आप मम्मा को नहीं उठा पाएंगे, भारी है ना मम्मा। पापा में इतनी ताकत नहीं है, है ना मम्मा? और मम्मा आप भी ऐसे साड़ी में पार्ट नहीं ले पाएंगे, आप लोगों से नहीं हो पाएगा यह सब।
ऐसा नहीं है। क्यों नाराज ना हूं मैं आपसे अस्मिता जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? इस तरह से शान की कमर पे बैठ के आप मिस्टर शिखावत, मैंने जो भी किया कृषि के लिए किया, आपको मैं शान की कमर पर दिखाई दी और कृषि की आंख से आंसू नहीं दिखाई दिए आपको। आप ही पिता है ना, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के लिए माँ बाप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं अपनी बच्ची को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं कृषि को जिंदगी की हर रेस में सबसे आगे देखना चाहती हूँ। कृषि को मैं इस रेस में हरा के रहूंगी और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं उससे मेरे स्कूल में कभी भी एडमिशन नहीं लेने दूंगी। पापा छोड़ गई थी। चिंता मत करो प्रिंसेस, मम्मा ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि कृषि रेस तक पहुंचेगी नहीं। जीतना तो दूर की बात है, स्कूल का तो पता नहीं, पर हमारे घर से जरूर निकल जाएगी। इसीलिए तो शान को भी कुछ नहीं कहा मैंने। चंद ही पल बचे हैं खुशी के उसके पास, फिर तो मातम का अंधेरा ही अंधेरा है। बेटा, आप चाहते हो ना कि कृषि आपकी लाइफ से चली जाए? उसके लिए आपको मम्मा की एक छोटी सी हेल्प करनी पड़ेगी। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? ये बताने के लिए कि तुम इस देश में नहीं जीत पाओगे, मेरे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। हम दोनों के लिए रेस जीतना जरूरी है। मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है, जो अच्छा होगा ना वही ये रेस जीतेगा। तो हम अभी क्या झगड़ा करें, है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। कोई लूजर ही ऐसा सोचता? मेरी मम्मा ने सिखाया है कि किसी भी हाल में जीतना जरूरी होता है। जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन जीतो। ये कुल मेरी और इसमें तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, इसीलिए जीतूंगी तुम मैं। आज खत्म होगी तू और खत्म होगी तेरे मम्मी पापा की सबसे बड़ी प्रेम कहानी। आज तो रेजिट का स्कूल में एडमिशन ले ही लूंगी मैं और फिर कंसंटी का कहूंगी कि वो हमारे मामले से हट जाए। उन्होंने प्रॉमिस किया, मैं जो कहूंगी उन्हें करना पड़ेगा। फिर मम्मी और पापा के बीच हमेशा के लिए पट्टी करवा दूंगी।
So sad, Krishi. तुम्हारी रेस शुरू होने वाली और तुम हो कि आप गड्ढे में फंसी हुई हो. अब क्या होगा? आंटी मुझे बाहर निकालिए. मुझे पता है आपने ही गिराया मुझे इस खड्डे में. तुम मुझे कंस आंटी बुलाती हो ना, तो तुम्हें पता नहीं है कि कंस क्या क्या कर सकता है. एनीवे, बस अब कुछ ही देर की बात है. कुछ ही देर में रेस खत्म हो जाएगी, तुम खत्म हो जाओगी और खत्म हो जाएगा सब कुछ. कोई झिक झिक नहीं, कोई टेंशन नहीं. नहीं, ऐसा नहीं कर सकती आप, ये चीटिंग है आंटी. मुझे लगता है ना कि तुम शायद बच्ची हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, कोई चीटिंग नहीं होती. और कृषि लेट आके भी फर्स्ट पोजीशन पे है. कम ऑन कृषि. कोई बात नहीं है, चलो. बच्ची ने अपनी जीत के बदले चाहत के साथ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने को चुना. शाबाश बेटा. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कृषि के इस सेल्फलेस बिहेवियर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. कृषि, आपने चाहत की मदद तो कर दी, बट आई होप इससे आपके एडमिशन में कोई रुकावट ना आ जाए. स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिलने के लिए आपका ये दोनों रेस में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था. इसी के साथ हमारा आज का मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी यही खत्म होता है. इसके पहले कि आप सब यहाँ से जाएं, मैं कृषि अस्मिता कुमारी को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगी.
ऋषि बेटा, आप तो जीतने वाले थे ना, फिर आप रुक क्यों गई? जीतना जरूरी होता है मैम, पर किसी की मदद करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। भले ही रेस का मेडल मुझे ना मिले, लेकिन कान्हा जी मुझे मेडल जरूर देंगे अच्छे बिहेवियर के लिए। मैं चाहत को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। थोड़ी बुरी ही सही, पर वो अकेली थी ना, तकलीफ में थी।